हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज है 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर के झारखंड के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करेंगे इस क्लास की तो आप सभी को ये पता होगा कि ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते ही हैं। चूंकि ये झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास है तो हम लोग यहाँ पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं बल्कि उन करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आपको चीजें जो है प्रॉपर आसानी से समझ में आ सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ना केवल इस क्लास का पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सभी क्लासेस के डिटेल्स मिलेंगे, सभी क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे। इनफैक्ट आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ये रहे हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास होता है और ये क्लास झारखंड एजुकेशन हब के इसी यूट्यूब चैनल पे होती है। तो इसी चैनल पे डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं उसी तरीके से सुबह 6 बजे, कब? सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और ये जो क्लास है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई में होती है। तो आप लोग सुबह 6 बजे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। अगर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूले। वही बात करेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू की। तो रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का रामबाण क्लास होता है जहां पे हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं और झारखंड के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। पहला करंट अफेयर है डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कितने नए डाकघर खोले गए हैं। अब डाक विभाग की बात करेंगे, इंडिया पोस्ट की बात करेंगे, तो डाक विभाग के द्वारा उग्र प्रभावित इलाकों में, उग्र प्रभावित इलाके क्या है? नक्सलाइड एरिया। तो डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में झारखंड का जो नक्सलाइड एरिया है वहां पे कितने पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर खोला गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करेंगे डाक विभाग की, 898, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा? 898। अगर आप में से कोई ऐसा है जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बात करेंगे डाक विभाग की, तो डाक विभाग के द्वारा पिछले 5 वर्षों में झारखंड की जो नक्सलाइड एरिया है उन नक्सलाइड एरिया में 898 पोस्ट ऑफिस यानी 898 डाकघर को खोला गया है, ठीक है? तो बात करेंगे पिछले 5 वर्षों की, पिछले 5 वर्षों में डाक विभाग के द्वारा
उग्रवाद इलाकों में यानी नक्सलाइड एरिया में 898 नए डाकघर खोले गए हैं। राज्य के उग्रवाद इलाकों में डाकघर खोलने की जो योजना है वर्ष 2017-18 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? वर्ष 2017-18 में। तो बात करेंगे झारखंड के नक्सलाइड एरिया की। झारखंड के नक्सलाइड एरिया में डाकघर खोलने का जो काम है, डाकघर खोलने का जो योजना है 2017-18 में शुरू हुआ है, और पिछले 5 वर्षों की अगर बात करेंगे 898 यानी मोटे मोटे तौर पर माने तो 900 डाकघर, 900 पोस्ट ऑफिस जो है वो डाक विभाग के द्वारा झारखंड में खोला गया है। और इसी के साथ झारखंड में अब डाकघरों की जो संख्या है वो 4,579 हो गया है। तो झारखंड में कुल कितने डाकघर हो गए हैं? 4,579। तो आपको याद क्या क्या रखना है? आप बोलेंगे सर हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, या फिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो नोट करना है। देखिए आपको एक तो ये याद रखना है कि डाकघर खोलने की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? वर्ष 2017-18 में, ठीक है। डाकघर खोलने की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? वर्ष 2017-18 में। कितने नए डाकघर को खोला गया है? 898 नए डाकघर को खोला गया है। और झारखंड में टोटल कितने डाकघर हो गए हैं, टोटल कितने पोस्ट ऑफिस हो गए हैं? 4,579। अगर बात करेंगे झारखंड में डाक सेवा की, तो झारखंड में कब पहली बार डाक सेवा को शुरू किया गया था? तो झारखंड में पहली बार 2001 में, कब? 2001 में डाक सेवा जो है वो शुरू हुआ था। पोस्ट सर्विस जो है वो झारखंड में 2001 में शुरू हुई थी। और झारखंड में अब जो है कितने पोस्ट ऑफिस बन गए हैं? 4,579 यानी 4,579 पोस्ट ऑफिस जो है झारखंड में हो गए हैं। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिए। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्यसभा के सदस्य झारखंड के किस जिले के भ्रमण के लिए आए हैं? तो राज्यसभा के जो कुछ सदस्य हैं वो झारखंड के भ्रमण के लिए आए हैं। तो कौन से जिले के भ्रमण के लिए आए हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग? अब देखिए राज्यसभा क्या है, तो आप सभी को पता होगा संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है राज्यसभा। पार्लियामेंट की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। पहला तो हो गया लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। दूसरा हो गया राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं यानी उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो संसद के तीन अंग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। उन तीन पार्टों में, तीन अंगों में एक अंग है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो कुछ सदस्य हैं वो झारखंड के रांची के भ्रमण के लिए आए हैं। कहां के भ्रमण के लिए आए हैं? रांची के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये रांची का भ्रमण करेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक, कब से कब तक? 10 से 12 अक्टूबर तक क्या होगा? तो ये रांची का भ्रमण करेंगे, रांची का भ्रमण करके रांची के घूमेंगे। रांची में हुंडरू वाटरफॉल है, जोन्हा वाटरफॉल है, दसम वाटरफॉल है, तो कई सारे चीजें हैं। रांची में बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है, तो बहुत सारी चीजें हैं रांची में घूमने के लिए। रांची में झारखंड का विधानसभा है, ठीक है। तो रांची में ये घूमने के लिए आए हैं कौन? लोकसभा, राज्यसभा के कुछ सदस्य आए हैं। कितने? तो कहां के आए हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले के जय कुमार सिन्हा को 37th नेशनल गेम्स में जूरी ऑफ अपील के रूप में आमंत्रण किया गया है, या फिर आमंत्रित किया गया है? यानी एक तरीके से हम लोग कहें तो 37th नेशनल गेम्स में जूरी ऑफ अपील के रूप में इनवाइट किया गया है। किन्हें? तो जूरी ऑफ अपील के रूप में जय कुमार सिन्हा को
इनवाइट किया गया, किन्हें? जय कुमार सिन्हा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें ताकि क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा पता चले, ठीक है। चलिए मैं साइड में आ जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राज्य के किस जिले के जय कुमार सिन्हा को 37th नेशनल गेम्स में जूरी ऑफ अपील के रूप में आमंत्रित किया गया है, यानी जूरी ऑफ अपील के रूप में इनवाइट किया गया, ठीक है। जय कुमार सिन्हा कहां के रहने वाले हैं? रांची के ये रहने वाले हैं, ठीक है। क्या है? तो ये रांची के रहने वाले हैं। अब आप में से मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होगा या फिर आप में से मैक्सिमम लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जूरी ऑफ अपील क्या होता है? सर जूरी ऑफ अपील क्या होता है? तो जूरी ऑफ अपील का मतलब क्या है? अगर ये चीज हम लोग समझ जाएंगे तो हमको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा। इतना सा फंडा है। आप में से बोलेंगे सर हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये जूरी ऑफ अपील क्या है ये आप बस बता देते तो जूरी ऑफ अपील के बारे में अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जूरी ऑफ अपील एक पद होता है, पद जैसे कोई भी खेल होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो आर्चरी हो, तो वहां पे एक व्यक्ति होता है, कौन? अंपायर। अंपायर क्या है? एक पद है। क्या है? एक पद है, एक पोस्ट है। उस तरीके से एक पोस्ट होता है क्या? जूरी ऑफ अपील। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कौन सा पोस्ट है जूरी ऑफ अपील? तो जूरी ऑफ अपील एक पोस्ट है, एक पद है, जिसका काम है कि जो भी टूर्नामेंट हो रहा है, जो भी मैच हो रहा है, वो सही तरीके से हुए, क्या हुए? सही तरीके से हो, सही तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी ना हो। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में कहें तो आपको समझ में आएगा कि सर मैच में किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, मैच में किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी ना हो, इसके लिए जूरी ऑफ अपील को अपॉइंट किया जाता है। जूरी ऑफ अपील का काम क्या होता है? जूरी ऑफ अपील का काम होता है कि जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स को मेंटेन रखें और उन रूल्स को फॉलो कराएं, सबसे फॉलो कराएं। रूल्स सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख कौन करता है? जूरी ऑफ अपील। जैसे मान लेते हैं क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट के मैच में इंडिया और इंग्लैंड का दोनों का मैच हो रहा है, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो अंपायर हो सकता है कि किसी एक टीम का साथ दे दे, हो सकता है कि अंपायर जो है वो इंडिया का साथ दे दे, या फिर अंपायर जो है वो इंग्लैंड का साथ दे दे, तो यहां पे जो रूल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो रूल्स को देखने का काम, रूल्स को सही तरीके से मेंटेन करने का काम होता है जूरी ऑफ अपील का। जूरी ऑफ अपील उस चीज को देखता है कि जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं अंपायर जो है वो किसी का साथ तो नहीं दे रहे, अंपायर जो है वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है, अंपायर जो है वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है, इन सब की देखरेख कौन करता है? वो जूरी ऑफ अपील करता है। और जूरी ऑफ अपील के रूप में 37th नेशनल गेम्स में रांची के जय कुमार सिन्हा को इनवाइट किया गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जूरी ऑफ अपील क्या है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। रांची के तलवारबाजी को पहचान दिलाने वाले झारखंड तलवारबाजी संघ के महासचिव कौन? जय कुमार सिन्हा को 37th नेशनल गेम्स में जूरी ऑफ अपील के रूप में इनवाइट किया गया है। किन्हें? तो जूरी ऑफ अपील के रूप में रांची के जय कुमार सिन्हा, ये आप देख रहे हैं जय कुमार सिन्हा, और 37th नेशनल गेम्स में कहां पे होगा? गोवा में होगा। कहां पे होगा? गोवा में होगा। और इसमें इन्हें जो है जूरी ऑफ अपील के रूप में इनवाइट किया गया, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए, हाल ही में राज्य के किस स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में दो वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुका है। कौन 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 सा सर? आप लोग बोलेंगे कौन कौन सा सर? पहला तो
रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, दो वंदे भारत झारखंड में शुरू हो चुके हैं और झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाला है। कहां से? तो टाटा नगर स्टेशन से। कहां से? टाटा नगर स्टेशन से। टाटा नगर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगा, जो कि झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन होगा। तो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन कौन सा है? रांची पटना। झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन रांची हावड़ा। झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होगा टाटा नगर वाराणसी। कौन सा? टाटा नगर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, और टाटा नगर स्टेशन से यह शुरू होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा नगर वाराणसी, कहां से कहां? टाटा से वाराणसी तक झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। तो टाटा नगर स्टेशन से झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होगा। ठीक है, वंदे भारत का एक और कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सैफ्रॉन कलर आया है, सैफ्रॉन व्हाइट में। पहले आप वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे तो व्हाइट के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन था, अब जो है सैफ्रॉन के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, यानी भगवा के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो रखा गया। हालांकि बहुत अच्छा भी लग रहा है, और अगर आप वंदे भारत ट्रेन को देखेंगे तो जितनी खूबसूरत ये व्हाइट कलर में लग रही है उससे ज्यादा खूबसूरत ये सैफ्रॉन कलर में यानी भगवा कलर में लग रहा है। भगवा कलर में इस वंदे भारत ट्रेन की खूबसूरती जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो झारखंड का तीसरा वंदे भारत ट्रेन टाटा वाराणसी शुरू होगा बहुत जल्द, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी भगवा कलर के साथ ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, इसी भगवा कलर के साथ, सैफ्रॉन कलर के साथ टाटा वाराणसी जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी शुरुआत हो सकती है। कहां से? टाटा नगर से। तो ये जो है झारखंड का तीसरा वंदे भारत होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड में ई हेल्प स्कीम को शुरू किया गया है? तो झारखंड में ई हेल्प स्कीम यानी ई हेल्प योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड के कृषि मंत्री, देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में किसके द्वारा ई हेल्प स्कीम को शुरू किया गया है? तो झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा शुरू किया गया। क्या? तो ई हेल्प स्कीम, ई हेल्प योजना। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सही आंसर होगा बी, बादल पत्रलेख। झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, झारखंड के कृषि मंत्री है कौन? बादल पत्रलेख, और इनके द्वारा ई हेल्प स्कीम यानी ई हेल्प योजना को शुरू किया गया है। अगर बात करेंगे पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। कौन सी योजना? ई हेल्प स्कीम यानी ई हेल्प योजना। तो आप ये देख रहे हैं ई हेल्प स्कीम, ठीक है, या फिर ए हेल्प स्कीम इसे कहते हैं, और ये जो है किनके द्वारा? तो ये बादल पत्रलेख, झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, इनके द्वारा ही शुरू किया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसके द्वारा जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा? केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी ने इसका सही आंसर कमेंट करके बताया था कि अर्जुन मुंडा के द्वारा आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसका शिलान्यास कौन से जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर, बोकारो में, धनबाद में, रांची में, या फिर देवघर में। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कल के क्लास में आपको इसके बारे में बताया गया था और बहुत ही डिटेल में बताया गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आई होप सो कि आपको सभी करंट अफेयर्स डिटेल में समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। बाय बाय।